बैड हैबिट्स आई लाइक चेंज देट आर टू लाइक टू फील अंटिल दे आर टू हैवी टू कैरी बहुत छोटी छोटी आदतें होती हैं जो बनते बनते एक बुरी आदत बन जाती है और वो बुरी आदत इनिशियली तो हमें कुछ फील नहीं होती जस्ट लाइक स्मोकिंग यू नो इनिशियली इट्स जस्ट लाइक अ पफ लेकिन एक टाइम के बाद इट्स चेंज स्मोकिंग या फिर हम बात करें जंक फूड खाने की ऐसी बहुत सारी बुरी आदतें होती हैं जो इनिशियली बहुत ज़रा सी होती हैं लेकिन एक टाइम आता है जब वो एक ऐसी बुरी आदत बन जाती है जिसका हम पीछा नहीं छुड़ा पाते हैं। और इट टेक्स अ लॉर्ड ऑफ एफर्ट सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टेन बैड स्टडी हैबिट्स ऑफ स्टूडेंट्स यू ऑल आर अपेयरिंग फॉर स्टैंडर्ड बोर्ड्स टेंटैंड ट्वेल्थ एंड एंड नॉट ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट टेंथ और ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स आप सब जितने भी स्टूडेंट्स हो चाहे आप स्टूडेंट हो या चाहे आप कॉलेज में हो चाहे आप अपने जॉब में हो दीज आर दैन टेन बैड हैबिट्स बैड स्टडी हैबिट्स जो अगर आज अपने अपनी लाइफ से इराडिकेट कर दिए मतलब रिमूव कर दिए देन ट्रस्ट मी दैट आप अगर अभी एटी परसेंट या सेवेंटी परसेंट पर होना सीधा शूट करोगे नाइनटीन नाइन्टी फाइव नाइन्टी सेवन नाइन्टी नाइन एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग ह्योर सो हियर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द फर्स्ट थिंग विच इज क्रैमिंग क्रैमिंग का मतलब क्या होता है एग्जाम के एक दिन पहले अचानक से जागना एंड देन वी फील ओ गॉड इतना कॉस्ट बचाए ओ माई गॉड ये तो रिवाइज ही नहीं हुआ ओ माई गॉड उसने कहा था दिस इज इंपॉर्टेंट एंड देन पहली चीज हम क्या करते हैं हम पैनिक करते हैं दूसरी चीज क्या करते हैं हम घोटना स्टार्ट करते हैं समटाइम्स वी डोंट इवन अंडरस्टैंड वॉट वी आर डूइंग दैट इज नोन एज क्रैमिंग स्टडी फॉर एन आवर और टू सेवरल नाइट्स बिफोर टेस्ट डे इंस्टेड ऑफ पुलिंग एन ऑल नाइटर अगर आपके एग्जाम्स में आज वी आर सिटिंग इन दिसंबर राइट सो अगर हम दिसंबर पे हैं तो अभी भी हमारे पास ऑलमोस्ट दो महीने वन एंड हाफ टू टू मंथ्स वी स्टिल हैव विच मीन्स दैट अभी भी अगर आप हर दिन थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करोगे थ्री टू फोर आवर्स टू टू थ्री आवर्स डिपेंड करता है आप कौन सी क्लास में हो, आपका कितना कोर्स कंप्लीट हो चुका है देन यू वोंट हैव टू पुल एन ऑल नाइट मतलब you won't have to study for the entire night and you can actually save yourself because if you don't get good sleep which means that आप कभी भी rejuvenate feel करोगे नहीं अगर आपकी बॉडी जो है स्ट्रेस्ड है या अभी आपकी जो बॉडी है वो थकी हुई है तो वो कोई नई चीज को कैसे inculcate करेगी इसका मतलब ये भी नहीं है दैट यू ओवरस्lept अपन को एग्जाम टाइम में 7 टू 8 आवर्स की नींद इज मोर देन इनफ इवन सिक्स टू सेवन आवर्स इज मोर देन इनफ अगर आप बोल रहे हो नहीं नहीं मुझे तो ग्यारह से बारह घंटे की नीचे सो यू कैन नीदर स्लीप नॉर यू कैन लाइक यू नो नॉट स्लीप एट ऑल नेक्स्ट इज गिव योर माइंड एंड बॉडी टाइम टू रेस्ट एंड रिकवर आप कुछ पढ़ रहे हो मशीन है काम कर रही है तो उस मशीन को रोकना पड़ेगा वना वेन यू यूज योर लैपटॉप और योर फोन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम क्या होता है इट गेट्स हीटेड अप गदम हो जाता है ना सिमिलरली अगर हम अपनी बॉडी को अपने माइंड को बिना रुके कंटिन्यूसली यूज कर रहे हैं और उसको प्रॉपर रेस्ट भी नहीं दे रहे सो दैट इट कैन रिकवर तो उसमें नया कुछ नहीं जाएगा सो व्हेन यू आर स्टार्टिंग स्टॉप क्रैमिंग स्टॉप क्रैमिंग नेक्स्ट इज मल्टी वी थिंक कि हम एक काम करते हैं यू you नो know, अरे मैं तो फोन पर बात करते करते मैथ्स लिख लेती हूँ अरे मैं तो यू you नो know, ये काम करते करते दूसरा काम कर लेती हूँ या फिर नोट्स कॉपी ही तो करने करना टीवी देखते देखते नोट नोट्स कॉपी हो जाएंगे नोट्स तो कॉपी हो जाएंगे बट नथिंग वुड गो ही नो आपको किसी से आपने नोट्स लिए आप उसे कॉपी कर रहे हो ना वेन यू आर फोकसिंग ऑन दैट आपके दिमाग में भी जा रहा है यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग बट आप अगर टी वी देख रहे हो म्यूजिक सुन रहे हो किसी से बात करते करते ये काम कर रहे हो तो नथिंग इज गोइंग इन साइड वॉट यूर डूइंग इज जस्ट कॉपिंग डाउन राइट right? एंड इसका मतलब क्या है जितने टाइम में आप लिख रहे हो समझ सकते हो उस चीज़ को ऑलमोस्ट एटलीस्ट टेन टू ट्वेंटी परसेंट आपको याद हो सकता है वो सारा टाइम आप वेस्ट कर दे रहे हो सो डोंट मल्टी टास्क राइट ऐसा रिसर्च में कहा गया है दैट यू नो यू आर लॉट मोर प्रोडक्टिव व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन वन थिंग ज्यादा देन वेन यू आर मल्टी मतलब अगर आप किसी एक चीज पे फोकस होके काम करते हो तो उसका जो प्रोडक्शन है उसका जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा बेटर होता है कंपेयर टू जब आपका अटेंशन दस जगह डिवाइडेड है आपके एग्जाम्स आ रहे हैं आई वुड जस्ट से बी अ हॉर्स हॉर्स के दोनों साइड ना एक यू नो देर इज अ मास्क वाई सो देट डजेंट लुक हेयर देयर इट कैन जस्ट लुक फॉरवर्ड एंड फोकस ऑन द गोल आपका गोल क्या है टू गेट अमेजिंग मार्क्स राइट सो नेक्स्ट इज लिसनिंग टू म्यूजिक बहुत बहुत सारे लोग कहते हैं दैट ओ यू नो वट आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक स्पेशली वेन आई एम डूइंग मैथमेटिक्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर सब्जेक्ट्स लेकिन मैथमेटिक्स के टाइम पे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं म्यूजिक सुनते सुनते कर लेती हूँ दिस इज नॉट राइट आई वुड से दिस इज नॉट राइट वाई बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड वॉट काइंड ऑफ म्यूजिक द पीपल वर टॉकिंग अबाउट वो जो म्यूजिक होता है उसमें लिरिक्स नहीं होते उस म्यूजिक में इट इज एट अ वॉल्यूम जिसमें आपका कभी कभी ध्यान भी नहीं जाता इट्स ऑलमोस्ट काइंड ऑफ अ मेडिटेशन यू नो मेडिटेशन काइंड ऑफ अ म्यूजिक लेकिन ऐसा नहीं जिसके साथ आप गुनगुना रहे हो जिसको करते करते जो है ना आप टैप कर रहे हो क्यों क्योंकि वो एकदम पार्टी सॉन्ग्स हो रहे हैं ऐसा नहीं करना है सो अगेन हेयर दर इज अ रिसर्च दैट शोज दैट म्यूजिक डजेंट हेल्प पीपल लर्न समथिंग न्यू और कॉम्प्लेक्स

सो यू आर डूइंग वॉट आप अपने दिमाग का एक हिस्सा उसको दे रखे हो क्यों दे रखे हो जब आपके पास टाइम ही नहीं है इतना अगर वो हिस्सा भी आपके इस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करने में आएगा तो ये चीज़ ज़्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व हो पाएगी मेकिंग इट हार्ड फॉर यू टू अंडरस्टैंड द मटेरियल यू आर स्टडिंग अगर आप कुछ रीड कर रहे हो आप कुछ याद कर रहे हो एंड सपोज इट्स अ थियोरिटिकल सब्जेक्ट ट्रस्ट मी इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल सो स्टॉप लिसनिंग टू म्यूजिक एंड अगर आप ये काम करते हो और अगर आपको लगता है नहीं नहीं मुझे हेल्प करता है तो अगर आप काम करते करते अगर म्यूजिक पे थोड़ा भी ध्यान है अगर ध्यान है तो मान लो माइंड का उतना स्पेस उस सॉन्ग के लिए जा रहा है और इस वक्त माइंड का पूरा स्पेस कहाँ देना है हमें फोकस करना है अपनी स्टडीज पे द नेक्स्ट थिंग इज स्टॉप स्किपिंग ब्रेक्स इफ यू हैव स्टॉप्ड स्किपिंग ब्रेक्स देन यू आर इन अ ट्रबल यस नॉट सपोज टू स्के ब्रेक क्यों क्योंकि मैंने आपको बताया था आर बॉडी इज अ मशीन एंड वेन वी आर कंटिन्यूअसली मगिंग आप रोड लर्निंग चल रही है और यूर डूइंग द लॉर्ड ऑफ सम जैसे मैथ्स में क्या होता है आई रिमेंबर आई यूज टू डू दिन थिंग्स तो क्या होता था कभी कभी मैं अटक जाती थी लगता था नहीं नहीं ये क्वेश्चन तो मैं करके ही उठूंगी लेकिन कभी कभी उस चीज को छोड़ देना चाहिए जब आपसे वो चीज़ सॉल्व नहीं हो रही है टेक अ लिटिल ब्रेक जस्ट रिजुवनेट योर सेल्फ रिफ्रेश कम बैक हैव अ ग्लास ऑफ वाटर ठीक है हैव अ लिटिल ग्लास ऑफ वाटर, कम बैक एंड देन यू विल डू इट ट्रस्ट मी वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा क्यों क्योंकि आपके बॉडी को लगा हाँ ब्रीदिंग स्पेस तो मिली वरना तो वो खच्चरों की तरह काम कर रहा है है ना एग्जाम टाइम में तो माइंड बहुत ज़्यादा काम करता है सो गिव योर सेल्फ लिटिल ब्रेक लेकिन वो जो लिटिल ब्रेक्स होते हैं वो लिटिल ही होने चाहिए लाइक सपोज यू हैव स्टडीड फॉर एन आवर टेक अ टेन मिनट्स ब्रेक टेक अ टेन मिनट्स ब्रेक मूव अ लिटिल क्योंकि एग्जाम टाइम में क्या होता है हम एक ही जगह बैठे रहते हैं हम मूव नहीं करते तो हमारी बॉडी फिजिकली एक्टिव होना हर केस में जरूरी है सो मेक मेक अ मूव थोड़ा सा आप यू नो जस्ट थोड़ा सा वॉक कर लो थोड़ा सा कुछ खा पी लो लेकिन नॉट जंक वेलकम टू दैट द नेक्स्ट थिंग इज ब्रेक्स अलाउ योर ब्रेन टू डाइजेस्ट द इंफॉर्मेशन एंड स्टोर इट सो इट्स जस्ट लाइक आपने खाना खा लिया खाना खाने के बाद नाउ योर स्टमक नीड्स सम टाइम ना अगर आपने क्या बोला नहीं आज मेरे पास टाइम कम है तो आई टेक माई ब्रेकफस्ट बट मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं लंच भी अभी कर लेता हूँ और मैं डिनर भी अभी कर लेता हूँ क्यों क्योंकि दिन भर तो मेरे पास टाइम नहीं है बट दैट डजेंट वर्क बिकॉज योअर स्टमक नीड्स दैट टाइम जिसमें वो डाइजेस्ट कर सके स्टोर कर सके सिमिलरली योर ब्रेन नीड्स सम टाइम जिसमें आपको जितनी इंफॉर्मेशन आपने अभी तक अपने दिमाग को दिए वो थोड़ा उसको रिलैक्स तो कर ले अलग अलग पैकेजेस में स्टोर तो कर ले सो गिव योर सेल्फ सम टाइम विच आर नोन एज लिटिल ब्रेक्स ठीक है यू ऑल्सो गेट यूज यू ऑल्सो गेट टू यूज अ ब्रेक टू रिसट योर ब्रेन इंस्टेड ऑफ बर्निंग आउट फ्रॉम एग्जॉशन नहीं ब्रेक यूज़ करोगे तो एग्जॉस्ट हो जाओगे मशीन चल रही है चल रही है चल रही है और धड़ाम से फूट जाएगी एंड यू डोंट वांट दैट राइट नेक्स्ट इज अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेटिंग व्हाट इज़ प्रोक्रेस्टिनेटिंग अरे यार मैं ना इसको अभी थोड़ी देर में कर लूँगा मैं इसे पक्का थोड़ी देर बाद कर लूँगा अरे यार ये ये मैं बाद में कर लूँगा यार अभी मुझे बहुत नींद आ रही है यार मैं कल पक्का सुबह उठ के कर लूँगा नाउ दिस इज़ नोन एज डिलइंग थिंग्स एंड दैट इज़ नोन एज प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स ऑल द स्टूडेंट्स हैव ऑल द स्टूडेंट्स कहीं कोई मतलब ऐसे जो है ना लोग नहीं है बहुत कम ऐसे इक्के दुक्के लोग होंगे जो बोलेंगे नहीं यार ये मैं नहीं करता हूँ करते हो कहीं ना कहीं तो कर ही देते हो तो ये करना छोड़ दो वाई बिकॉज दैट राइट टाइम टू डू थिंग्स वुड नेवर कम वो जो 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 आप सही टाइम बोल रहे हो अरे यार इसको मैं बस थोड़े टाइम में कर दूँगा वो सही टाइम कभी आएगा ही नहीं क्योंकि टाइम जो है आपके पास वो सिर्फ अब है है ना फ्यूचर पे आपका कंट्रोल नहीं है और पास्ट का पास्ट पे आपको आप कुछ कर नहीं सकते उसका सो व्हाट इज द राइट टाइम टू डू थिंग्स द राइट टाइम टू डू एनी थिंग इज नाउ यू विल नेवर हैव एक्स्ट्रा टाइम टू कंप्लीट द बेसिक टास्क आपके पास आज भी 24 फोर आवर्स हैं और कल भी 24 फोर आवर्स रहेंगे जिसमें से अगर आपका स्लीप टाइम हम माइनस भी कर देते हैं और उसके अलावा खाना ये वो सारा फिर भी यू हैव गॉट टेन टू ट्वेल्व आवर्स कल ये टाइम बढ़ नहीं जाएगा आज भी उतना ही है कल भी उतना ही है विच मीन्स that आपने जो अपने जितने भी काम हैं जिनको इकट्ठे करके रखे हुए हैं वो आपको कल करने के लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम भगवान ने बोला अरे यार बहुत बेचारा थक गया था आज मैं इसको थोड़ा आधा घंटा एक्स्ट्रा दे देता हूँ ऐसा नहीं हो पाता है सो देर इज लाइक दे वोंट बी अ डे वन विल गेट सम एक्स्ट्रा आवर्स सो मेक श्योर दैट जो काम बहुत दिन से टाल हो ना उसे आज कर ही डालो थिंग्स won't हैपन ऑन their ओन अगर आपका जो पूरा जो बुक शेल्फ है आप पढ़ाई तो कर रहे हो लेकिन आप बुक निकालते हो वापस नहीं रखते हो और वो बढ़ता जा रहा है वो होता जा रहा है अब आप ही को प्रॉब्लम होगी जब आपको नेक्स्ट बुक निकालनी है या अपने नोट्स ढूंढने आप ही को प्रॉब्लम होगी क्यों क्योंकि आपको नहीं मिलेंगे वो टाइम पर वो जगह पर रखोगे नहीं तो वो जगह से मिलेंगे नहीं सो द प्रॉब्लम इज दैट थिंग्स वोंट हैपन ऑन देयर ओन बुक्स नहीं बोलेंगे कि यार कहाँ मैं परेशान हो रही हूँ आई शुड गो बैक टू द बुक शेल्स नो दे डोंट गो ऑन देर ओन यूल हैम राइट सो डू दैट स्टॉप टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड चाहे आपके पेरेंट्स हों चाहे आपकी फैमिली में और कोई भी मेम्बर हो आपके फ्रेंड्स हों आपके टीचर्स हों आपका सामान हो आपके पेन पेंसिल हो आपका स्टेशनरी का कोई भी सामान हो किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है ठीक है आपको अगर कोई आपके लिए कुछ कर रहा है यू हैव टू हैव सम ग्रेटिट्यूड इन साइड यू और अगर आप अगर आपने स्टेशनरी के लिए अपने पास हमेशा हर चीज़ का बैकअप होना चाहिए अगर मेरे पास फोर पेंस है तो मेरे पास फोर पेन्स जो है बैकअप में होने चाहिए अगर मेरी नोटबुक ख़त्म होने वाली है तो मुझे लास्ट मोमेंट तक वेट नहीं करना है मुझे एक नई नोटबुक लेनी है राइट यू नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड राइट नाउ नेक्स्ट वन इज यूजिंग सोशल मीडिया वाइल्सिंग अलोइंग डिस्ट्रैक्शंस

आधा घंटा तो मान के चलो गया उसके बाद जो बुरा लगता है उसके बाद बार बार जो फ्लैश आते हैं उसके बाद जब आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हो बहुत सारा टाइम चला जाता है सो स्टॉप डूइंग दैट रेजिस्ट द टेम्पटेशन इसको कहते हैं सेल्फ कंट्रोल ये कहीं और से नहीं आएगा कोई और आपको नहीं देगा इसको क्या कहते हैं सेल्फ कंट्रोल एंड हमें और एनिमल्स में यही एक डिफरेंस है वो ये है दैट हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल है सो हैव दैट सेल्फ कंट्रोल बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपके लिए और कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है क्या इम्पॉर्टेंट है आपके लिए आपका गोल आपको अच्छे मार्क्स अचीव करने हैं एंड दैट इज इट पीरियड फुल स्टॉप नो मोर डिस्कशन नेक्स्ट इज नॉट एक्टिवली स्टडिंग ना एक बहुत ही बेसिक इश्यू होता है मैं तीन घंटे पढ़ चुकी हूँ तीन घंटे मेरी बुक मेरे सामने थी पेज पलट रहे थे और कभी कभी तो मैं खुद ही भूल जाती थी एक लाइन पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज होता था अरे ये क्या पढ़ा मैंने और मैं फिर वही लाइन पढ़ रही हूँ ऐसा क्यों क्योंकि आप एक्टिव हो ही नहीं आपने पढ़ा लेकिन आप बस पढ़ रहे हो फॉर द सेक ऑफ इट मम्मी से मस्त डांट पड़ी आपको पापा ने बोला व्हाट इज द पॉइंट ऑफ लाइक टीचिंग यू और इतने बड़े स्कूल में भेजने का मतलब ही क्या है और तुम्हारे फ्रेंड्स को देखो वो लोग कितनी पढ़ाई करते हैं तुम्हें तो जब देखो यही काम करना रहता है नॉल अब आप दुखी हो गए अब आप बहुत ज़्यादा दुखी हो गए तो आपने क्या किया बुक तो सामने रख ली लेकिन अपन है ही नहीं वहां पे अपन तो ट्रांसपोर्टेड है इन लाइक डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर है ना अपन यहाँ कर रहे हैं लेकिन अपन मन में कुछ और चल रहा है दिस इज नॉट एक्टिव स्टडिंग दूसरी चीज़ अगर आप पढ़ रहे हो अगर आपने लेट से इंग्लिश आपने इंग्लिश का एक पूरा पैराग्राफ पढ़ा वेयर इज योर पेंसिल डिड यू अंडरलाइन डिड यू अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स अगर आप मैथ्स कर रहे हो तो आपने कोई एक नया फॉर्मूला लिया अगर आपने देखा कोई एक नया फॉर्मुला है डिड यू राइट इट समेर क्योंकि आपको लेटर लर्न करना पड़ेगा उस फॉर्मूला को या अगर आप साइंस कर रहे हो तो क्या आपने नोट्स क्रिएट किए अगर आपने नहीं किए ना तो आप जो हो आप स्वामी विवेकानंद नहीं हो रखे कि एक नजर देखा और हमेशा के लिए याद हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ अगर आपने देखा है तो इधर यू क्रिएट नोट्स और एटलीस्ट अंडरलाइन इट एंड इफ यू आर नॉट डूइंगट दैट इज नॉट एक्टिव स्टडिंग राइट सो टेक अगर आपको एक्टिव स्टडी करनी है तो आपको बार बार देखना पड़ेगा यू विल है आप कितने पानी में हो तो आपको क्या करना पड़ेगा यू टू टेक ऑफ क्विजिस सैम्पल पेपर्स लेने पड़ेंगे राइट की वर्ड्स तो वेन योर लाइक रीडिंग समथिंग मेक नोट्स मेक

देन बींग डिसऑर्गनाइज अगेन अगर ये चीज़ सुधर गई सो यू विल बी सॉटेड बींग डिसऑर्गनाइज इज़ वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स दैट कैन हैपन टू एनी वन क्यों क्योंकि हम कोई सामान हमने कहीं से उठाया हम वापस क्यों नहीं रख सकते उस जगह पे? क्यों इतना डिफ़िकल्ट शूज़ को जगह पे रखना क्यों आप स्कूल से आते हो आपका बैग जो होता है उसको आप सीढ़ियों पे रख देते हो या आप उसको जस्ट ऐसी पास में रख देते हो क्यों वो सबके पैर पर लगता है हाउ डिफिकल्ट इट इज टू कीप योर थिंग्स एट द प्लेस अगर आप नोट्स बना रहे हो आपने नोट्स बनाए हैं और आपके जो नोट्स हैं वो कुछ इधर रखें कुछ दूसरे रूम में रखें कुछ दीदी के रूम में रखें कुछ भैया के पास रखें कुछ स्कूल में हैं कुछ फ्रेंड के पास हैं क्यों अगर पेजेस में लिख रहे हो आप तो एक फ़ोल्डर मेंटेन कर लो बेस्ट होता है अगर आप एक नोटबुक में लिखो लेकिन सपोज आप नोट्स बना रहे हो और आप ओपन पेजेस में लिख रहे हो तो एक फोल्डर मैंटेन कर लो क्योंकि जब आपके पास टाइम कम होगा ना तब इसको ढूंढाई जो आप इसकी करोगे उसमें आपका जो टाइम जाएगा ना उस वक्त वो बहुत अखरेगा इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ऑर्गेनाइज अगर आप ऐसे डिसेबल्ड रहोगे ना तो आप अपना टाइम किल कर दोगे और हमारे पास तो टाइम है ही नहीं किल करने के लिए राइट सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कीप अ notebook where वेयर यू down डाउन ऑल एग्जाम डेट्स असाइनमेंट्स डेडलाइंस एंड schedules तो आपको पता है आपकी एग्जाम्स हैं बार बार बिल्कुल जरूरत नहीं है या तो आप एक टाइम टेबल का एक प्रिंट आउट लो और उसको कहीं पे लगा दो या तो एक नोटबुक बना लो जिसमें आपने लिख लिया है जहां आपने आपके कोई यूनिट टेस्ट हैं आपके प्री बोर्थ हैं आपका कोई कोचिंग में कोई टेस्ट है जो भी है उसकी डेट लिख दो सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी थिंगटेन द टाइम टेबल एंड स्टॉप किलिंग टाइम स्टॉप वेस्टिंग टाइम वी डो नॉट हैव द टाइम टू वेस्ट एनी मोर एंड देन वी हैव नॉट हैविंग अ स्टडी स्पेस कितने लोगों ने नोटिस किया है कि इट हैपन्स जब आप कोई नई जगह पे जाते हो आपको वहाँ नींद नहीं आती आपको अपने ही बेड पे सबसे अच्छी नींद आती है नोटिस किया ऐसा होता है बहुत सारे लोगों के साथ होता है बहुत सारे लोगों के साथ नहीं भी होता होगा क्योंकि हमारी बॉडी को आदत हो जाती है जैसे ही अगर आपके पास एक डेडिकेटेड स्टडी स्पेस होता है ना तो द मोमेंट यू गो देयर आपकी बॉडी अलर्ट हो जाती है ओके नाउ दिस पर्सन इज गोइंग टू स्टडी वाई बिकॉज उसका पूरा एम्बियंस वो जगह आप जैसे बैठ रहे हो दैट इज इंपॉर्टेंट आप बेड पे बैठ के पढ़ते हो दैट इज अपसल्यूटली रॉन्ग दैट इज द प्लेस टू स्लीप आपको बाई डिफॉल्ट नींद आएगी अगर आप छत पे जा रहे हो तो छत पे जाने पे क्या हो रहा है इधर उधर चहल पहल हो रही है किसी ना कहीं कोई कुछ हो रहा है और आपका ध्यान वहाँ पे चला गया है अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शनस हैं लेट से आपके घर में गेस्ट आए हुए हैं कुछ मैरिज सेरेमनीस चल रही हैं या कोई फंक्शन है सो स्टिल यू विल हैव टू फाइंड सम डेडिकेटेड स्पेस जहाँ पर आपको सबको पता आपके एग्जाम्स हैं दे गिव यू सम स्पेस ठीक है सो so आपका जो भी स्पेस है ना वहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि जब आप पढ़ाई करो एटलीस्ट फॉर फ्यू आवर्स आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे क्योंकि ऐसा होता है घर में शादी है घर में कोई फंक्शन है कुछ भी हुआ है तो बहुत मुश्किल हो जाता है ये स्पेस मिलना लेकिन उसके बाद भी ट्राई करो कि एटलीस्ट कुछ आवर्स जब आप डेडिकेटेडली कोई चीज़ याद कर रहे हो समझ रहे हो तो उस टाइम पे आपको डिस्टर्बेंस ना मिले ठीक है एंड पुअर टाइम मैनेजमेंट जिसके लिए आप सब बहुत सारी बातें करते हैं जिसके लिए हमने बहुत सारे टाइम टेबल्स क्रिएट किए हैं जिसके लिए हमने काफी सारी वीडियोस बनाई हैं सो टाइम मैनेजमेंट इज वन थिंग टाइम टाइम को मैनेज कर लिया देन यू हैव मैनेज एवरी थिंग सो स्टॉप टाइम मैनेजमेंट लाइक सम टाइम मैनेजमेंट टिप्स इसमें सबसे पहला जो मैं आपको बता रही हूँ वो ये है प्रायोरिटाइज योर टास्क आपका हर दिन अलग होता है हर बच्चा अलग होता है हर स्टूडेंट की मतलब कोई भी चीज़ को गैदर करने की कैपेसिटी अलग होती है सो फर्स्ट यू हैव टू प्रायोरिटाइज़ योर टास्क अगर कल साइंस का पेपर है लेकिन टाइम टेबल के हिसाब से आज आप इंग्लिश पढ़ रहे थे तो ये नहीं हो सकता ना यू विल हैव टू स्टडी साइंस सो इसी तरीके से हर दिन आज आप जो भी पढ़ने वाले हो पढ़ो लेकिन देखो कि आपको पहले क्या चाहिए क्या आपने कल जो पढ़ाई की थी उसमें कुछ बचा तो नहीं है कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको वो पहले पढ़ना पड़ेगा सो प्रायोरिटाइज योर टास्क सेट अ स्केड्यूल आपको स्केड्यूल बनाना भी बताया है ठीक है टाइम टेबल भी बनाना बताया स्केड्यूल भी बनाना बताया तो प्लीज मेक श्योर दैट यू सेट अ स्केड्यूल वाई एंड इफ नॉट आई एम नॉट सेइंग कि सेट अ शेड्यूल और एकदम स्ट्रिंजेंट रहना चाहिए और हर दिन वही करो बिकॉज आई एम सिंसियरली टेलिंग यू इट इज नॉट पॉसिबल टू मेंटेन अ सेट स्केड्यूल फॉर लाइक थर्टी डेज क्योंकि आपका हर दिन अलग होता है बट एटलीस्ट मॉर्निंग में फाइव और टेन मिनट्स निकाल के आप ये तो दे सकते हो कि चलो ठीक है आज ये थोड़ा सा मेरा टाइम यहाँ जा रहा है तो मैं ऐसे सेट कर लेता हूँ आप नंबर ऑफ आवर्स कम नहीं कर सकते नंबर ऑफ़ आवर्स शिफ्ट कर सकते हो सो इसीलिए मेक श्योर टू सेट असो द नेक्स्ट थिंग डैट वी हैव ब्रेक अप बिग टास्क विच मीन्स डैट अगर आज आपने डिसाइड किया है दैट यू नो एवरी डे यू विल फिनिश वन मैथ्स का चैप्टर बट वट हैपन वॉज दैट वन मैथ का चैप्टर वॉज एक्सट्रीमली बिग बाकी चैप्टर्स यू डिड बट दैट वन पर्टिकुलर चैप्टर वॉज एक्सट्रीमली बिग लेट से इट वॉज स्ट्रिक द मेटेरियल समथिंग तो क्या हुआ इट कूडेंट गेट कम्पलीटेड और आप टेंशन में आ गए कि यार मेरा तो पूरा अटैम टेबल ख़राब हो गया सो मेक श्योर अगर ऐसा कोई बड़ा टास्क है तो फर्स्ट डिवाइडेड इंटू स्मॉलर टास्क अगर आप ये नहीं करोगे आप अपने आप को अनरियलिस्टिक टारगेट्स दोगे तो आप ही परेशान होगे इसलिए प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने आप को रियलिस्टिक टारगेट्स दो ब्रेक अप बिग टास्क ओके एंड द लास्ट वन इज़ ईट हेल्दी गाइज आई हैव गॉड अ लिट आई लाइक आफ गॉट अग रिक्वेस्ट क्या हो रहा है आपको भूख लगती है आप एग्जाम टाइम में हो आप टेंशन में हो स्ट्रेस ईटिंग कर रहे हो या आपको भूख लग रही है लेकिन इस वक्त अगर आप गलत खाओगे इस वक्त अगर आप जंक खा रहे हो या आप पढ़ते पढ़ते कंटिन्यूसली चिप्स खा रहे हो बिस्किट्स खा रहे हो कल्ड ड्रिंक ले रहे हो और एनी थिंग लाइक दट इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू अगर आप चाहते हो कि आपके एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आएँ इसका मतलब यू कैन नॉट अफोर्ड टू गेट सिक राइट नाउ आप अपनी तबीयत खराब नहीं सकते आप अपना स्टमक अपसेट नहीं कर सकते आप जो हो लेजी फील नहीं कर सकते क्योंकि अभी तो होना है अपन को सुपर एक्टिव और हम सुपर एक्टिव तभी होंगे जब हम सही खाना खाएंगे राइट right? आपके अंदर जो जाएगा वैसे ही आप फील करोगे सो सपोज आई हैव ईटन छोले भटूरे भर के ना देन आई लिटरली फील ऑल डे बट इफ़ आई हैव हैड गुड रोटी सब्जी

कभी कभी के लिए सब कुछ ठीक है लेकिन अगर ये एक आदत बन जाएगी तो ये क्या हो जाएगी एक बैड हैबिट बन जाएगी एंड यू कैन नॉट अफोर्ड अ बैड हैबिट राइट नाउ एंड दैट इज़ इट दीज वर द टेन बैड स्टडी हैबिट्स दैट आई वॉन्टेड टू डिस्कस विथ यू बहुत सारी आपको लोगों ने बताई होंगी बहुत सारी आपको खुद भी पता है बट आई एम जस्ट रिपीटिंग दीज थिंग्स वाई बिकॉज आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट दिस टू यू कि इस वक्त आपके लिए आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू गेट रिड ऑफ दीज हैबिट्स एंड यू फोकस ऑन योर स्टडीज बिकॉज ऑल वी वी ऑल आर प्लेइंग फर यू एंड वी ऑल वॉन्ट यू टू जस्ट शाइन ब्राइट आपका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा जाए और बहुत अच्छा रिजल्ट आने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फॉलो दी स्टेप्स एंड नॉट फॉलो द बैड हैबिट्स ओके सो नाओ यू हैव टू टेल मी दैट डिड दिस वीडियो वॉज ऑफ़ एनी हेल्प टू यू क्या आपको थोड़ी भी मदद मिली इफ यू लाइक दिस वीडियो डो नॉट फॉर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड राइट इट इन द कॉमेंट सेक्शन सो दैट आई गेट टू नो इफ दिस वीडियो वॉज ऑफ एनी हेल्प टू यू ओके एंड यस वी आर हियर एट मैग्नेट ब्रेन्स जहाँ पे किंडर से लेके क्लास ट्वेल्व तक आपको हर सब्जेक्ट के हर कंटेंट में टीचर्स ने जो बेस्ट पढ़ाया है वो वाला कंटेंट मिलता है एंड दैट टू फॉर फ्री मतलब यू डू नॉट हैव टू पे फॉर एनी थिंग राइट सो यहाँ पर आप जा सकते हो ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म होगा अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कोई टॉपिक जो है वो नहीं मिल रहा है जस्ट फिलअप दैट फिल अप दैट फॉर्म उसमें वो टॉपिक मैंशन करो एंड यू विल गेट द टॉपिक एट डोर स्टेप येस मतलब आपके ई मेल पर नॉक नॉक होगा आप अपना ई मेल ओपन करोगे एंड यू विल गेट इट सो आई होप दैट वी आर ऑल सॉट इट थैंक यू फॉर बींग विथ मी It is always a pleasure to be with you. I'm going to see you very soon with some more interesting topics. Take care of yourself. Acha se khao, raho, raho, positive raho, apna raho. Bye.